वैदिक होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि समस्त वेदों का ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है। दोस्तों, कहते हैं लाइफस्टाइल का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अनियमित दिनचर्या व खान पान से शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए आयुर्वेद में मान्यता है कि नियमित दिनचर्या से आयु लंबी होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से पाचन क्रिया तीव्र हो जाती है व खाना जल्दी पच जाता है। इसके ठीक विपरीत कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने से कई तरह के रोग शरीर को घेर लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो हमें खाने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। पहला है, हमें फल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि फल भोजन करने के बाद खाना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं कि खाने के पहले व तुरंत बाद दोनों ही स्थितियों में फलों का सेवन लाभदायक नहीं होता। खाने के तुरंत बाद फल खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। खाने के तुरंत बाद फल खाने से गैस की समस्या हो सकती है। दूसरा है, हमें सोना नहीं चाहिए। अधिकतर लोगों को खाने के बाद आलस आता है, ऐसे में वे सोना पसंद करते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद सोना शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। खाने के बाद तुरंत सोने से भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता और मोटापा बढ़ जाता है। तीसरा है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। खाने के तुरंत बाद कई लोग स्मोकिंग का शौक रखते हैं। खाने के बाद स्मोकिंग करने से बहुत हानि होती है, इससे कैंसर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। चौथा है, चाय नहीं पीनी चाहिए। जो लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं वे खाने के बाद चाय पीते हैं, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, खाने के तुरंत बाद चाय ना पिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद चाय पीने से खाना पचने में दिक्कत होती है व एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। पांचवा, हमें नहाना नहीं चाहिए। सही समय पर नहाना और सही समय पर खाना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नहाने और खाने दोनों का ही निश्चित समय नहीं होता। खाने के तुरंत बाद नहाना तो सबसे अधिक हानिकारक माना जाता है। दरअसल ऐसा करने से पेट के चारों ओर रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। छठा है, चलना नहीं चाहिए। दोस्तों, कई लोग ये मानते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद चलने से भोजन का संपूर्ण पोषण शरीर को नहीं मिल पाता, यह पाचन क्रिया को भी कमज़ोर करता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों और वेदों द्वारा दिया गया ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है और इस ज्ञान में ही सारी समस्याओं का समाधान है।